ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम सब पहले से जानते तो थे, लेकिन जब पेंडेमिक ने घरों से बाहर निकलना बंद करा दिया तब ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हुई और ये वाकई हेल्पफुल भी साबित हुई। तभी तो यंगस्टर्स की पहली पसंद रहने वाली ऑनलाइन शॉपिंग अब हर एज ग्रुप को सूट करने लगी है। ऐसे में जो बिजनेसमैन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने लगे हैं उन्हें बेनिफिट होना तय है, और अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का सोच रहे हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। इसके लिए आपको ऐसी वेबसाइट बनानी होगी जिससे आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकें। यकीन मानिए, ये दुकान चलाने से कई ज्यादा सस्ता और प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही स्ट्रेटजी और प्लेटफॉर्म का यूज करें। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेबसाइट के जरिए प्रोडक्ट्स सेल करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक के इस दौर ने ये तस्वीर तो क्लियर कर दी है कि अब आगे अगर बिजनेस करना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज तो करना ही होगा। और अगर साथ में आपको ये भी पता चले कि आपके कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद करते हैं तो आपके लिए इस आइडिया को एक्सेप्ट करना काफी आसान हो जाएगा। इसका रीजन वो कन्वीनियंस है जो उन्हें घर बैठे स्मार्टफोन में आइटम्स सेलेक्ट करने और पे करने में मिलती है। तो बताइए, जब ये कंफर्ट आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन से ले जाकर अपने कस्टमर्स को देंगे तो फायदा तो आपको भी मिलने लगेगा ना। इसीलिए बिना उलझन में पड़े आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और अपनी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन मार्केट में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। स्टेप नंबर 1, मार्केट रिसर्च करिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बेचना पसंद करेंगे, बुक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गेम्स, क्लॉथ्स या कुछ और। ध्यान रखिएगा कि आप जो चूज करें या जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी अपनी शॉप पर सेल करते आए हो वो आपके इंटरेस्ट और नॉलेज पर बेस्ड हो। प्रोडक्ट की कैटेगरी समझ लेने के बाद उस प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च जरूर करिए और ये भी पता लगाइए कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च सही प्रोडक्ट्स चूज करने में हेल्प करेंगे और आपके ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत एकदम सही होगी। दोस्तों, हो सके तो अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा नया फीचर जरूर ऐड करिए जो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। आपका ये आइडिया और कॉन्सेप्ट आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 2, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। आपको अपने बिजनेस के लिए सही बिजनेस मॉडल चुनना होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस टू बिजनेस B2B कैटेगरी अपनाने वाले हैं या बिजनेस टू कंज्यूमर B2C कैटेगरी। इस तरह ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना। आपने जिस बिजनेस मॉडल को चूज किया है और जिन प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट ऑडियंस का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस ही तो आपकी कस्टमर होगी और अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही आपको यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, वेब डिजाइन, विजुअल्स, कंटेंट और बहुत कुछ सेट करना होगा। इसके लिए आपको अपने कस्टमर्स का एज ग्रुप, इनकम रेंज तो जाननी ही होगी, साथ ही ऐसे कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट्स का भी पता लगाना होगा जिनसे शॉपिंग करना आपके कस्टमर्स पसंद करते हैं। ये सारी डिटेल्स अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में आपकी हेल्प करेगी और आपका यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर होगा। स्टेप नंबर 4, डोमेन नेम चूज कीजिए। अब जब बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट कैटेगरी और टारगेट ऑडियंस कंफर्म हो गए हैं तो अब बारी आती है वेबसाइट के लिए डोमेन नेम लेने की। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, इसे आप वेबसाइट का एड्रेस भी कह सकते हैं। इसके लिए 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डोमेन नेम qsofficial.com। इसमें qsofficial वेबसाइट का नाम है और इसका डोमेन नेम एक्सटेंशन .com है। अच्छा, ये बताइए कि जब भी आप अपनी शॉप का नाम रखने का सोचते हैं तो यही ट्राई करते हैं ना कि वो नाम शॉर्ट, यूनिक और इम्प्रेसिव हो, साथ ही आपके बिजनेस से रिलेट करता हुआ भी हो। बस ऐसा ही आपको इस ऑनलाइन बिजनेस के नेम यानी डोमेन नेम को चूज करते टाइम ध्यान रखना होगा। डोमेन नेम लेने के लिए आपको एक रिलायबल डोमेन रजिस्ट्रार को चूज करना होगा, जैसे होस्टिंगर, जो एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो न केवल फास्टेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है बल्कि अफोर्डेबल भी है और यहाँ आपको क्वालिटी के साथ बेस्ट प्राइस भी आसानी से मिल जाएगी।
होस्टिंगर यूज करने से फायदा ये होगा कि इसके बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान्स के साथ आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा। इस प्रोसेसिंग के लिए आपको केवल कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वैलिड पेमेंट मेथड मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंगर पर आप अपनी पसंद के डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी चेक करके बेस्ट ऑप्शन चूज करें और डोमेन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके अपने नए डोमेन नेम की ओनरशिप वेरीफाई कर लें। इस तरह आपको होस्टिंगर से अपनी वेबसाइट के लिए परफेक्ट डोमेन नेम मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, वेब होस्टिंग। एक वेबसाइट बनाने के लिए रिलायबल और यूनिक डोमेन नेम के साथ साथ फास्ट वेब होस्टिंग की जरूरत भी पड़ती है। ये वेब होस्टिंग इंटरनेट पर वो स्पेस होता है जहां आपकी वेबसाइट रहती है। इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर इनेबल कर सकते हैं। ये बिल्कुल दुकान के किराए की तरह होती है जिसे आप रेगुलर बेस पर पे करते हैं ताकि आपकी शॉप चलती रहे। क्योंकि हम होस्टिंगर के एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं, इसीलिए इसे ही आगे बढ़ाते हैं। हमने होस्टिंगर से डोमेन नेम ले लिया और अब हमें वेब होस्टिंग भी लेनी होगी, और होस्टिंगर से हमें फास्ट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होस्टिंग तो मिलेगी ही, साथ में होस्टिंगर 30 डे मनी बैक गारंटी भी प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ साथ इस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से हमें बिजनेस वेब होस्टिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। फायदे की बात आई है तो आपको ये भी बता दे कि इस वीडियो में आपने होस्टिंगर के इतने सारे बेनिफिट्स देखे हैं, ऐसे में आप भी अपनी वेबसाइट बनाने में होस्टिंगर का यूज जरूर करना चाहेंगे। और खास बात ये है कि अगर आप होस्टिंगर का कोई भी प्लान लेते टाइम प्रोमो कोड क्विक सपोर्ट यूज करेंगे तो आपको उस प्लान पर 7% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसीलिए इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा दोस्तों। स्टेप नंबर 6, अपनी वेबसाइट के लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज करिए। डोमेन नेम और होस्टिंग के बाद आपको वेबसाइट के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, जिसके लिए आप वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं जो मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन ओपन सोर्स साइट बिल्डिंग टूल है और पूरी तरह फ्री है। एक और कमाल की बात ये है कि होस्टिंगर वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, यानी आपका ये स्टेप भी होस्टिंगर के साथ काफी आसान हो जाएगा। अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आप वर्डप्रेस के फ्री प्लगइन वूकॉमर्स का यूज कर सकते हैं, जो फ्री होने के साथ एक्सेस में भी बहुत इजी है, और आप बड़ी आसानी से होस्टिंगर पर वर्डप्रेस और वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आप होस्टिंगर के यूजर फ्रेंडली कंट्रोल पैनल पर ऑटो इंस्टॉलर का यूज करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1, ऑटो इंस्टॉलर को ओपन करिए। नंबर 2, सर्च फील्ड में वर्डप्रेस एंटर करके इसके आइकॉन पर क्लिक करिए। नंबर 3, इसके बाद वेबसाइट डिटेल्स फिल करिए, जिसमें आपको URL, लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, वेबसाइट टाइटल की इन्फो फिल करनी होगी। नंबर 4, इसके बाद इंस्टॉल बटन प्रेस कर दीजिए। नंबर 5, आप चाहे तो वर्डप्रेस को मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां तक वर्डप्रेस प्लगइन्स की बात है तो इनके जरिए आप आसानी से वर्डप्रेस के फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं और वर्डप्रेस साइट पर बिना कोडिंग के नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहां आपको फ्री और पैड प्लगइन्स के हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे दोस्तों। इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको केवल प्लगइन्स में ऐड न्यू बटन प्रेस करना होगा और जिस प्लगइन को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे वूकॉमर्स, उसका नाम सर्च फील्ड में एंटर करना होगा, जिसके बाद इंस्टॉल और एक्टिवेट बटन को हिट करके आप प्लगइन को अपनी साइट में शामिल कर लेंगे। होस्टिंगर से मिलने वाली इतनी सारी फैसिलिटीज से चौंकिए मत दोस्तों, क्योंकि इसके रीजनेबल प्लान्स के अलावा आपको इसका जो अप टाइम मिलेगा वो सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि होस्टिंगर 99.9% अप टाइम गारंटी देता है, जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने के लिए यहां आपको साल के हर दिन 24 घंटे सातों दिन चैट सपोर्ट भी मिल जाएगा। ऐसे में वेबसाइट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स सेल करने की आपकी ये शुरुआत कितनी इजी, फास्ट, रिलायबल है और अफोर्डेबल हो जाएगी, आप खुद ही सोचिए। आपने गौर किया हो तो कई वेबसाइट्स के नाम में डोमेन नेम से पहले HTTPS भी लिखा होता है। इसके साथ आपको एक लॉक की इमेज भी दिखाई देती है। इसका मतलब होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर है, क्योंकि उसके पास SSL सर्टिफिकेट है। आप जानते हैं कि SSL की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है और एक वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच हुए कम्युनिकेशन को सेफ रखता है। और ये तो आप जानते ही हैं
कि बिजनेस में कस्टमर्स को सिक्योर फील करवाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। SSL सर्टिफिकेट के जरिए आपके कस्टमर्स के यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सब सिक्योर रहती हैं। ऐसा करने से आप पर कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहता है और ट्रस्ट है तो बिजनेस है। अब कमाल की बात यह है कि होस्टिंगर के बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान में आपको डोमेन नेम के साथ साथ SSL सर्टिफिकेट भी फ्री मिलता है। ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को प्रोटेक्ट भी करेगा, गूगल रैंकिंग भी इंक्रीज करेगा और कन्वर्जन रेट्स को भी इम्प्रूव कर देगा। इसीलिए SSL सर्टिफिकेट जरूर लीजिए और अपने बिजनेस को सेफ और सिक्योर बना लीजिए। स्टेप नंबर 7, मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कीजिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना होगा, जो एक तरह का बिजनेस बैंक अकाउंट होता है। इस अकाउंट के जरिए ही आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट और प्रोसेस कर पाएंगे। स्टेप नंबर 8, प्रोडक्ट्स की प्राइस। प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा चार्ज किया तो आपके कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट्स पर चले जाएंगे और अगर आपकी प्राइस बहुत ही कम हुई तो आपको इस बिजनेस से कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको रिसर्च करनी होगी और पता लगाना होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे बिजनेसेस कितना चार्ज करते हैं। आपको इसकी डीप स्टडी करनी होगी, जिसमें मार्केट में चल रही शिपिंग कॉस्ट्स भी कंफर्म करनी होगी। इतना करने के बाद आपको अपने एक्सपेंसेस का हिसाब लगाना होगा, जिसमें प्रोडक्ट मटेरियल से लेकर वेबसाइट को मेंटेन करने तक के सारे खर्च का हिसाब लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट ऐड करके आप अपने बिजनेस को अपने लिए यूजफुल और प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। स्टेप नंबर 9, प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स। आपकी ऑफलाइन शॉप पर तो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को हाथ लगाकर चेक करके ही उन्हें खरीदा करते थे, लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर्स का इंटरेस्ट इतना बढ़ाना है कि वो तुरंत शॉपिंग कर ले, तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स यूज करनी होगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर की हेल्प लीजिए, और अगर आप खुद ऐसा करने वाले हैं तो कम से कम सही इक्विपमेंट में इन्वेस्ट जरूर करिए, जैसे अच्छा कैमरा, ट्राइपॉड, प्रॉपर लाइट और बैकग्राउंड, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स का बेस्ट वर्जन ऑनलाइन प्रेजेंट कर सके। स्टेप नंबर 10, इफेक्टिव कंटेंट स्ट्रेटजी। केवल प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स ही कस्टमर को शॉपिंग के लिए मोटिवेट नहीं कर सकती, उसके साथ रेलेवेंट और इम्प्रेसिव कंटेंट भी मेंशन होना चाहिए, जो अपीलिंग हो और कस्टमर को गाइड करे और बताए कि ये परचेजिंग आपके लिए किस तरह यूजफुल रहेगी। इसीलिए इम्प्रेसिव कंटेंट स्ट्रेटजी बनाइए और हर प्रोडक्ट इमेज के साथ इसे ऐड करिए। स्टेप नंबर 11, प्रोडक्ट्स की पैकिंग और शिपिंग के लिए प्लान। ऑनलाइन शॉपिंग अगर फास्ट हो तो ही कस्टमर्स को आपके ब्रांड के साथ आसानी से जोड़ पाती है, इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट्स को पैक करने और शिप करने का परफेक्ट प्लान होना चाहिए, जिससे आप हर ऑर्डर की फास्ट और सेफ डिलीवरी दे पाएं। स्टेप नंबर 12, वेबसाइट का प्रमोशन। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने भर से ही आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल नहीं होने लग जाएंगे, बल्कि आपको इसके लिए अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना होगा। इसके लिए आप PPC, पे पर क्लिक, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हैं, और इस तरह अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करके आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, और जितना ज्यादा ट्रैफिक उतनी ज्यादा शॉपिंग, उतना ज्यादा प्रॉफिट। और दोस्तों, अगर आप टाइम के साथ बदलाव लाना पसंद करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी वेबसाइट बनाना और उस पर प्रोडक्ट्स सेल करके अर्निंग करने का रास्ता आपके लिए खुला है। और अब तो आपको इस प्रोसेस के सारे स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे, तो देर किस बात की दोस्तों, अपने बिजनेस को वेबसाइट के जरिए एक्सप्लोर करिए और इस ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख ही दीजिए। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।